क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम आपकी जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, उसके अंतर्गत पोएट्री सेक्शन में कौन सी पोएट्री पढ़ रहे थे? अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी सुंदर वाली चीजें, सुंदरतम वस्तुएं, इनके बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने समझा था कि जो पृथ्वी पर जितनी भी सुंदरता युक्त वस्तुएं हैं, वो सब हमको क्या देती है? खुशी देती हैं, हैप्पीनेस देती हैं, और हमारे सॉरोफुल माइंड को भी रिकवर करती हैं। तो इसको हम आज हम इससे रिलेटेड क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्वेश्चंस आंसर्स। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोम। यानी आपको जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं इस पोम में कौन कौन सी बताई गई हैं उनको बताना है। आंसर, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट प्रोवाइड हैप्पीनेस टू द सोल आर, यानी ऐसी सुंदरतम वस्तुएं जो हमको क्या देती हैं? खुशियां देती हैं हमारे आत्मा को, वो कौन सी हैं? फर्स्ट है द सन, सेकंड वन है द मून, थर्ड है अ बॉर ऑफ ट्रीज, फोर्थ डैफोडिल्स एंड क्लियर स्ट्रीम्स फिफ्थ। ये पांच जो हैं इस पोम में जो बताई गई हैं वो क्या है? थिंग्स ऑफ ब्यूटी। सो रिकॉल विथ मी, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट प्रोवाइड हैप्पीनेस टू द सोल आर द सन, द मून, अ बॉर ऑफ ट्रीज, डैफोडिल्स एंड क्लियर स्ट्रीम्स। ये सारी जो है थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं। ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट मस्क रोजेज दैट फ्लावर इन द फॉरेस्ट। और इसके साथ साथ कौन सी है थिंग्स ऑफ ब्यूटी? सिक्स हो जाएगी, मस्क रोजेज। तो ये भी क्या है जो फॉरेस्ट में है? ये भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। नेक्स्ट देखें हम क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। अब ऐसी चीजों के बारे में बताइए जो क्या हमको देती है? सफरिंग, दुख और दर्द महसूस करवाती है। ऐसी चीजों के बारे में भी बताना है। आंसर, कीट्स लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन टू ह्यूमन सोल। इट इंक्लूड्स द स्कैसिटी ऑफ नोबल पीपल, ओवर कास्ट डेज एंड द अनहेल्दी एंड मिसरेबल वेज इन विच ह्यूमैनिटी सर्चेस फॉर मीनिंग इन लाइफ। कीट्स ने किन के बारे में बताया है जो हमको सफरिंग और पेन देती हैं? तो इसमें है स्कैसिटी ऑफ नोबल पीपल, मतलब अच्छे लोगों का, अच्छे लोगों की जो कमी है वो भी हमको क्या होती है? दुख देती है, क्योंकि जहाँ अच्छे लोग नहीं रहते वहाँ भी क्या होता है? अच्छी गुड हैपनिंग्स नहीं होंगी, जिसके कारण दुख व्याप्त होगा। ओवरकास्ट डेज यानी ऐसे दुख वाले दिन, एंड अनहेल्दी एंड मिसरेबल वेज विच ह्यूमैनिटी सर्चेस फॉर मीनिंग इन लाइफ। और ऐसे अनहेल्दी माने अस्वस्थ कर और दुख भरे कार्य, जिससे कि जो मानवता है वो अपनी जिंदगी के मीन ढूंढने पे मजबूर हो जाए, ऐसे वाले दिन भी क्या है? कॉज सफरिंग एंड पेन, जो हमको सफरिंग एंड पेन कराते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द लाइन देयरफॉर आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ सजेस्ट टू यू। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि हम फ्लावरी बैंड का एक रीत तैयार करते हैं जिससे कि हम पृथ्वी को बांध सकें? आंसर देखो, दिस लाइन सजेस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी बाइंड अस टू द अर्थ विच अ ब्यूटिफुल कलेक्शन। इसका अर्थ ये है कि जो ब्यूटिफुल थिंग्स हैं वो पृथ्वी को क्या करती हैं? बांध के रखती हैं एक सुंदरतम सुरक्षित कलेक्शंस के लिए। अकॉर्डिंग टू द पोएट, इवन इफ द वर्ल्ड इज नॉट वर्थ लिविंग बिकॉज ऑफ द इन्यूमरेबल रीजंस दैट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन ग्लूम एंड डिप्रेशन, द जील टू लिव अ हैप्पी एंड कंटेंट लाइफ कैन बी डेराइव फ्रॉम द साइट ऑफ द ब्यूटिफुल बाउंटीज ऑफ नेचर अराउंड अस। और यहाँ पर पोएट या कवि हमसे ये कह रहा है कि जो दुनिया है, दुनिया में इतना अंधेरा, इतनी सफरिंग और इतना पेन व्याप्त है कि लोग क्या करते हैं? हमेशा दुख भरी चीज़ों को याद रखते हैं, और ऐसे इतने सारे असंख्य हमारे पास कारण हैं जिससे कि हम किस में चले जाते हैं? ग्लूम और डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा, उसमें जील लाने के लिए, उसमें स्फूर्ति लाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अच्छी अच्छी चीज़ों के साइट ऑफ द ब्यूटिफुल बाउंटीज ऑफ नेचर, जो है प्रकृति ने हमारे आसपास बहुत सुंदरतम चीज़ें बिखेरी हुई हैं जिनकी सहायता से हम उन डिप्रेशन और ऐसे दिनों को भूल करके दोबारा फिर से अलाइव हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग। ऐसी कौन सी चीज़ है
जो लोगों को क्या करती हैं, लव लाइफ और स्पाइट किसके बिना था, ट्रबल्स और सफरिंग के बाद भी उनको बहुत अच्छा रखती है। आंसर, ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इज स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल नेचुरल एंड ब्यूटिफुल थिंग्स अराउंड देम। दीज थिंग्स आर ब्यूटी नेवर फेड, दे गिव जॉय एंड ऑप्टिमिज टू ह्यूमन माइंड एंड दिस हेल्प इन ओवरकमिंग एंड बेरिंग द ट्रबल्स एंड सफरिंग। अब क्या बोलते हैं कि ह्यूमन बींग की लाइफ में हमेशा ट्रबल्स और सफरिंग रहती है, क्योंकि बहुत, लेकिन इसके बाद भी उनकी ज़िंदगी में हमेशा प्यार भरी लाइफ क्यों रहती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी प्राकृतिक और सुंदरतम वस्तुएं मौजूद हैं उसके चारों ओर। यदि वो दुखी भी होता है तो कुछ समय बाद उन सारी सुंदरतम और प्राकृतिक वस्तुओं को देख करके क्या होता है, हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है। ये सुंदरतम चीज़ें कभी भी नष्ट नहीं होती, कभी भी फेड नहीं होती। इनको देखकर हमको हमेशा खुशी और आत्मसात करने की हिम्मत प्राप्त होती है। इसलिए यह हमको हमारे ट्रबल्स और सफरिंग वाले डेज को भी ओवरकम करने में हेल्प करती हैं। मतलब ब्यूटीफुल चीज़ें जो हैं वो हमको मोटिवेट करती हैं, हमको दुख भरे दिनों और उसमें आगे प्रेरणा देती हैं, और हमको खुश रहने में हमारी हेल्प करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। अब माइटी डेड शक्तिशाली जो मृतक हैं, जो शहीद लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए क्यों माइटी डेड बोला गया है। द ग्रैंडियर ऑफ द माइटी डेड लाइज इन देयर नोबल डीड्स, दिस हैव लेफ्ट बिहाइंड द ब्यूटिफुल लेगेसी ऑफ द ब्रेव एक्ट्स, देयर सेल्फलेस सेक्रीफाइसेस फॉर देयर नेशन एंड डीड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड स्टिल कंटिन्यू टू इंस्पायर अस। अब ये जो माइटी डेड, यानी जो लोग देश की सेवा के लिए समर्पित हो गए, वो शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, इन सब ने क्या किया, ये सब भी हमको एक गर्व का अनुभव करवाते हैं। क्योंकि क्या किया था इन्होंने, नोबल डेड्स, इन्होंने बहुत महान कार्य किए हुए हैं, इन्होंने अपने जाने के बाद भी बहुत सुंदर इतिहास हमारे लिए छोड़ा है इनके बहादुर कार्यों के कारण। मतलब इनके बहादुर कार्य जो थे, इन्होंने एक बहुत सुंदरतम इतिहास रचा है जिसको पढ़ के हमें खुशी का अनुभव होता है। दे आर सेल्फलेस सेक्रीफाइसेस फॉर देयर नेशन एंड डीड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड स्टिल कंटिन्यू टू इंस्पायर अस। अब वो क्या बोलते हैं, इनका सेल्फलेस माने इनका स्वार्थ परक नहीं, इनकी निस्वार्थ सेवा, इनका निस्वार्थ त्याग जो है अपने देश के लिए, और इनके जो कार्य हैं मानव समाज के लिए, ये सब हमको प्रेरणा प्रदान करते हैं। मतलब इनका भी जो डेथ है, माइटी डेथ जो है वीर लोगों की, उनकी भी डेथ हमको क्या करती है, बहुत ज़्यादा उत्तेजना प्रदान करती है, हमको ब्यूटीफुल थिंग के अंतर्गत वो आती है, जो हमको मोटिवेशन देती है और हमको इंस्पायर करती है कि ऐसे कार्यों के लिए कि हम भी इस प्रकार कार्य कर सकें। क्वेश्चन नंबर 6, डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स और डू दे मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस। क्या हमको अनुभव ब्यूटी का, सुंदरतम चीज़ों का थोड़े क्षण में होता है, या कि फिर वो बहुत लंबे समय तक हमारे दिमाग में कोई छाप छोड़ जाते हैं। आंसर, द पोएट बिलीव्स दैट व्हेन वी एनकाउंटर अ ब्यूटीफुल थिंग इवन फॉर अ स्मॉल मोमेंट द प्लेजर रिमेनिंग विथ अस फॉर एवर। इट लीव्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन दैट इंस्पायर अस टू लिव लाइफ विदाउट ऑप्टिमिज्म एंड होप। अब यहाँ पे क्या बोलता है, कभी कहते हैं कि कभी का ये विश्वास है कि जब भी हम सुंदरतम चीज़ों के उसमें सानिध्य में रहते हैं, भले ही थोड़े समय के लिए हों, लेकिन हमको उससे जो आनंद प्राप्त होता है वो हमेशा के लिए हो जाता है, और वो हमारे मन मस्तिष्क में बहुत लंबी छाप छोड़ जाते हैं और हमको हमेशा इंस्पायर करते हैं, हमेशा प्रेरणा देते हैं कि हम उसी आशा और विश्वास के साथ अपना कार्य करते रहें। बट जैसे आप पिकनिक पर जाते हो, किसी टूरिस्ट स्पॉट पर जाते हो, या कहीं आप किसी अच्छी जगह घूमने जाते हो, हेरिटेजेस वाले प्लेसेस में जाते हो, तो आपको वहाँ की जो छाया और वहाँ पर आपने जो एक ऊर्जा और एक सकारात्मकता महसूस की होगी, वो आपकी लाइफ लॉन्ग रहेगी, यानी आप पूरे जीवन भर उन दृश्यों को, उन चीज़ों को नहीं भूल पाओगे। तो इसी प्रकार जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है वो क्या कहती है, मेकिंग अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वॉट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटिफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। अब पोएट कौन कौन सी ऐसे ब्यूटिफुल साइट्स को पृथ्वी की बताता है। आंसर, द पोएट यूजेज द इमेजेस ऑफ एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक
to describe the beauty bounty of earth. The earth, like a fountain, pours unto us numerous beautiful sights like the sun, the moon, flowers, rivers and greenery. अब वो क्या बोलता है? पोइट कहता है कि पृथ्वी पर भी बहुत सुंदर सुंदरतम वस्तुएं जो हैं, वो कैसी हैं? Endless fountain of immortal drink. That should be very important and must be noted in your notebook. कि यहाँ पर ये बता रहा है कि जो images हैं beautiful sights की, वो कैसी हैं? An endless fountain of immortal drink. यानी एक अमृत, immortal drink यानी अमृत, अमृत का निरंतर बहता हुआ झरना है ये. जितनी भी हमको सुंदरतम साइट अर्थ पे दिखाई देती है, ये सब क्या है? पृथ्वी से, स्वर्ग से निकला हुआ अमृत का बहता हुआ झरना है जो पृथ्वी पर बह रहा है. जब ये पोर्स, पोर्स मतलब कोई लिक्विड थिंग जब डाउनवर्ड्स गिरती है, उसको पोर्स बोलते हैं. तो जब ये नीचे आती है तो ये बहुत सुंदर सुंदर साइट बनाती है, जैसे कि द सन, उगता हुआ सूर्य, सनराइज, सनसेट, कितने सारे ब्यूटीफुल थिंग्स है, एनर्जी देता है. द मून, फ्लावर्स, रिवर्स एंड ग्रीनरी, मतलब सन, मून, फ्लावर्स, बहुत सुंदर सुंदर जो रिवर्स हैं, जो ग्रीनरी है पूरी अर्थ पर फैली हुई, ये सारी क्या है? ब्यूटी बाउंड, ब्यूटीफुल बाउंटी है. और ये सब एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक है. तो बच्चों, ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर थिंग्स ऑफ ब्यूटी के. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पोएट्री डिस्कस करेंगे. थैंक यू.